गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 10 का। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, और आज उसका लेक्चर 5 है। आज हम लोग सेल एंड बैटरी के बारे में जानेंगे। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत हमने बताया था, एक अकेला कोई सेल हो, अकेले है तो उसको सेल बोलते हैं, और वहीं एक के साथ अन्य सेल, 1, 2, 3, 4 यानी एक से ज्यादा सेल भी अलग अलग सेल कहलाएंगे। यदि उनको एक साथ आप यूज करते हैं किसी एक काम के लिए, तो उनका कॉम्बिनेशन जो है बच्चों, वो बैटरी कहलाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज सुरेश फिजिक्स आरा, और मेरा नाम सुरेश सिंह है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेल एंड बैटरी। तो आज हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं और बैटरी पढ़ने वाले हैं। तो आखिरकार हमें सेल या फिर बैटरी का जरूरत क्यों पड़ा? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंडक्टर के ऊपर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, जिनको हमें मूव करवाना था। हमें क्या ओवरऑल निकालना, हमें ओवरऑल करेंट प्राप्त करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना है। तो करंट प्राप्त होने के लिए पता चला कि इसको फ्लो कराना पड़ेगा, किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन भाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, तो हमें कंडक्टर के एक एंड को लो पोटेंशियल से जोड़ना होगा और दूसरे एंड को हाई पोटेंशियल से जोड़ना होगा। अब ये लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल मिलेगा कहां से? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, वो हमारा सेल या फिर बैटरी प्रोवाइड करेगा। बिना सेल और बिना बैटरी के भी लो और हाई मिल जाएंगे आपको जनरेटर से, एसी जनरेटर से। तो वो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद, मतलब कि इसके बाद फिफ्थ चैप्टर में वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अभी सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल। ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त कराएगा, और ये जो सेल से जो हमें करेंट मिलेगा वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट मिलेगा। और जो एसी जनरेटर से हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग चलाते हैं अपने घरों में जनरेटर, या फिर शादी विवाह में तुम देखते होगे जनरेटर चलाया जाता है, तो वो जो है अल्टरनेटिंग करंट देता है, एसी बोलते हैं उसको। तो उसको एसी जनरेटर बोलते हैं, और इसको डीसी जनरेटर नहीं, इसको सेल बोलते हैं। बैटरी ये डायरेक्ट करंट देता है। तो आज हम लोग सेल एंड बैटरी को देखने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए अपना लेक्चर। तो आज का हेडिंग है सेल। सेल क्या है, बैटरी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। सेल क्या है और बैटरी, तो सेल लिखिए, सेल क्या होता है यह सेल? तो पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे थे कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। तो मूव कराना है तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। तो एक तरफ आप लो पोटेंशियल दीजिए और एक तरफ हाई पोटेंशियल, तो ये लो से हाई की ओर इधर की ओर चल जाएगा, और इसका चलना ही करेंट कहलाता था। और करेंट का डायरेक्शन हम लोग इधर मानते थे, आई से करंट को डिनोट किया जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे करंट। तो आई से करंट को डिनोट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? अब ये हमको करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना होगा, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लो पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा? तो वो देगा सेल। कौन देगा? सेल देगा। तो सेल क्या है बच्चों? तो सेल का एक डिफिनेशन यहां से बन जाएगा, सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस देगा वो कॉन्स्टेंट देता है सेल, ठीक? टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ठीक है? तो लिखेंगे हम ए डिवाइस विच मेंटेन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल
डिफरेंस अक्रॉस 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 द एंड ऑफ कंडक्टर अ डिवाइस, ऐसा डिवाइस, एक डिवाइस है जो मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, कहां? अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एंड पॉइंट पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। यहां का पोटेंशियल कुछ और, यहां का पोटेंशियल कुछ और, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये क्या करता है, कंडक्टर के एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, अ डिवाइस विच मेंटेन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल, और इसको इलेक्ट्रो केमिकल सेल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। बैटरी को यदि तुम तोड़े फोड़े हो गए तो उसके अंदर एक रॉड मिलता है, जैसे हम लोग का ये रेडियो में बैटरी लगता है ना, एवेरेडी का, निप्पो का, सुने होगे, निप्पो का चक्का से गाड़ी भी बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, और एवेरेडी का चक्का से लाल लाल चक्का उसमें से निकलता है, व्हील निकलते हैं, तो उसके अंदर एक रॉड होता है। क्या होता है, रॉड कार्बन का होता है, और कुछ काले 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 आपको पाउडर मिलेंगे, उसको आप फोड़िएगा तोड़िएगा तो वो काले काले जो पाउडर आपको मिल रहे हैं वो एक केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं और एनर्जी प्रदान करते हैं, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को चलाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलता कैसे है भाई, तो एनर्जी चलाता है, एनर्जी इसको मिलता है और ये मूव करता है हाई लो, उसके टर्मिनल से ऊपर कैप लगा रहता है स्टील टाइप का, पॉजिटिव होता है प्लेट, यानी कि हाई पोटेंशियल वहां होता है, और नीचे बेस में एक स्क्वायर टाइप का एरिया रहता है, जस्ता टाइप का, वो होता है आपका निगेटिव टर्मिनल, तो वहां पोटेंशियल लो होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है, जैसे पेंसिल बैटरी या फिर उस बैटरी की बात करें तो नीचे इस प्रकार से और ऊपर कुछ इस प्रकार से रहता है, तो ये हमारा प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो प्लस और माइनस पिछले क्लास में भी बताए थे कि प्लस माइनस से आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझना है, प्लस माइनस से क्या समझना है, प्लस माइनस है कि ये यहां का जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, हाई पोटेंशियल, और यहां का पोटेंशियल लो होगा, लो पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां का हाई पोटेंशियल होता है, यहां का लो, ये ऊपर ढक्कन जैसा लगा रहता है, तो यहां का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यानी कि हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं बोलते हैं इसको, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है। यह भी बैटरी हमको देखने को मिलता है घरों में। ठीक है, एक साइड का है और लुमिनस का, बहुत सारा इसमें भी बैटरी का कंपनी कंपनी का आता है। तो इस प्रकार का बैटरी देखो, फिर हम गलती कर रहे हैं, ये क्या है, ये सेल है, क्या है, सेल है, एक अकेला है तो इसको सेल बोलना है। ठीक है, आदत पड़ गया है गलती बोलने का, ठीक है, इसको सुधारा जाए, कम से कम एग्जाम के लिए सुधारा जाए। दैनिक जीवन में तो बैटरी ही बोलेंगे, तुम भी यहां से जाओगे बैटरी बोलोगे, हम भी यहां से हटेंगे तो बैटरी ही बोलेंगे इसमें। ठीक, आदत पर जो पड़ गया है, तो ये सेल है और ये भी सेल है, अकेला है तो सेल है, हाँ, इसके साथ एक और है तो वह भी सेल ही है, लेकिन दोनों को एक साथ यूज करेंगे कंबाइन करके तो बैटरी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसमें भी इसी प्रकार से एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल,
तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बैटरी देता है कंडक्टर को। कैसे? तो इस कंडक्टर से आप क्या, इस बैटरी से क्या कीजिए, आप कोई कंडक्टर तार जोड़ दीजिए, इस तरह से डायरेक्ट तार नहीं जोड़ा जाता है, सर्किट है, उस एनर्जी का यूज किया जाए। तो एक छोटा सा बल्ब लगा लीजिए और जैसे ही इसमें जोड़ते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो ये बल्ब ग्लो क्यों किया? क्योंकि अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं बच्चों, तो कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टर का एक एंड ये और एक एंड ये। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे कि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाना चाहते हैं। क्या करेंगे? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाना चाहेंगे। तो देखेंगे कि ये कंडक्टर जो है, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको पता चल गया कि हमको बैटरी से जोड़ दिया गया है। किससे? बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर, ये बल्ब वाले बल्ब से इधर और बल्ब से इधर, दोनों तरफ मेटल है, कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको एक को पॉजिटिव टर्मिनल मिला है और एक इंड को नेगेटिव टर्मिनल। अब इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो चाहेंगे क्या कि हम पॉजिटिव टर्मिनल के पास चले जाएं। क्या चाहेंगे? हम पॉजिटिव टर्मिनल के पास चले जाएं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदत है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाने का। तो जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो चाहेगा कि हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल के पास चले जाएं। सब क्या करेगा? सब करेगा इधर से मोशन अपना स्टार्ट और चल देगा सब हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन चल देगा। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन चला और धीरे धीरे सोचेगा कि हम यहीं पे रहे, हाई पोटेंशियल के पास ही रहे। बट बैटरी ऐसा होने नहीं देगा। बैटरी क्या करेगा? बैटरी इसको इधर से इधर भेज देगा। क्यों भेज देगा? तो बैटरी का काम ही हम लगाए किस लिए है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम हाई पोटेंशियल पर चले जाए। हाँ, उसका आदत है लो से हाई जाने का। और हम चाहते हैं कि हम करंट मिल जाए। तो हमने क्या लाया? हमने लाया बैटरी, सेल। सेल का क्या काम है? सेल का काम है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा प्लस पे, उसको माइनस पर लेकर चले जाना है। सेल को इलेक्ट्रिकल पंप भी बोला जाता है। क्या? इलेक्ट्रिकल पंप। इलेक्ट्रिकल पंप यानी जैसे तुम मोटर देखते होगे घर में, मोटर पानी चढ़ाने के लिए। तो मोटर क्या करता है? पानी को ऊपर चढ़ाता है। पानी खुद से ऊपर जाना चाहता है? नहीं, कहीं भी पानी छोड़ दीजिएगा तो उसका आदत है नीचे आने की। ठीक है ना, ऊपर से नीचे ही पानी बहता है। कभी देखे हैं पानी ऊपर की ओर बहता हुआ? नहीं। तो पानी का टेंडेंसी है नीचे आ जाए, उसका हमेशा टेंडेंसी। ग्लास में रखिए, ग्लास आप थोड़ा सा भी गिराइए तो नीचे आ जाएगा। हाँ, कहीं टेबल पर खाए पानी गिर गया, वो सीधा नीचे जाता है। तो पानी की आदत है नीचे जाने का, उसका आदत ही है नीचे जाने का। बट मोटर क्या करता है? उसकी मर्जी के विरुद्ध, वो तो चाहता है कि हम नीचे जाएं, लेकिन उसके मर्जी के विरुद्ध खींच के उसको ऊपर लाता है और टंकी में पहुंचाता है, पानी हमको मिलता है। ठीक, उसी प्रकार हमारा जो हैंडपंप है वो भी यही काम करता है। पानी चाहता है कि हम नीचे रहें, बट हैंडपंप से हम क्या करते हैं, उसको सक करके खींच खींच के पानी को ऊपर लाते हैं मर्जी के विरुद्ध। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहता है कि हम हाई पोटेंशियल पर ही रहें। कहा रहे? हाई पोटेंशियल पर ही। बट बैटरी कहेगा कि नहीं, हम तुमको हाई पोटेंशियल पर नहीं रहने देंगे। तुम लो से हाई जाते हो, मेरे पास आ गए हो, तो तुमको हम हाई से लो भेजेंगे, हाई से लो भेजेंगे। तो बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को हाई से लो भेजेगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन हाई से लो जब आएगा तो लो पॉइंट पे आ गया, लो पोटेंशियल पर आ गया। जैसे ही लो पोटेंशियल पर आ जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं हमको हाई पोटेंशियल पर जाना चाहिए, इसका आदत है। तो ये क्या करेगा? यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, फिर ये बोलेगा फिर आ गया, फिर खींच के नीचे करेगा, फिर आएगा, फिर खींच के नीचे करेगा, फिर आएगा, फिर खींच के नीचे करेगा।
तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई भागता रहेगा और बैटरी इसको हाई से लो करता रहेगा, और इस प्रकार ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। जैसे ही बैटरी इसमें जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर, और बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर। तो इस प्रकार से इसका एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही फ्लो मिल गया बच्चों, उसी को तो करंट बोलते हैं। जैसे ही हमें एक फ्लो मिल गया तो उसी को तो करंट बोलते हैं। तो हमें एक यहाँ करंट देखने को मिल जाएगा जिसके वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा, और करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, ठीक। यानी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, याद रखना है, ठीक। करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव में जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल पर, और करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल पर, ठीक है ना, याद रखना है। याद क्या रखना है, समझ में, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लो से हाई, तो लो से हाई ये जा रहा है, और इसके अपोजिट में करंट होता है तो हाई से लो। तो इस प्रकार इससे इलेक्ट्रिक करंट हमको मिल गया। क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक करंट। कैसे मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने से। इलेक्ट्रॉन को कैसे दौड़ाया हमने, तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए हमें पता था पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक लो पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल, और लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल कौन लाएगा, तो वो हमारा काम करेगा सेल। क्या काम, कौन काम करेगा, सेल काम करेगा। सेल क्या करता है, तो सेल किसी भी कंडक्टर से जोड़ दिया जाए, कंडक्टर के दोनों एंड से सेल से जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों एंड पे एक को लो पोटेंशियल और एक को हाई पोटेंशियल दे देता है। यानी कि कंडक्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक लो पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे हाई पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और जैसे ही हाई पोटेंशियल पर पहुंचेंगे सेल उसको खींचकर फिर लो पर करेगा, फिर हाई पर जाएंगे, फिर सेल खींचकर लो पर करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, इसी को तो करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे तो करंट का फ्लो ऐसे, सिंपल। तो नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं और डिस्कशन किया जाए इसके बारे में। हो गया, मिटा दे। डिवाइस विच मेंटेन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के सिरों के बीच यानी एंड पॉइंट पे कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता हो, ऐसे युक्ति को, डिवाइस को, यंत्र को सेल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर हो गया, इसको जूम करके दिखा रहे हैं, कंडक्टर को तार है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक ना, थोड़ा हम इस प्रकार से सेल लेंगे, अभी इसका सेल का सिंबल भी होता है, ठीक ना, उसको भी देखेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए प्लस यानी हाई पोटेंशियल, और ये माइनस यानी लो पोटेंशियल। तो एक तार यहां से लेके इसको जोड़ दिए, और एक तार यहां से लेके यहां क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, स्विच लगा देंगे, और एक तार लेके इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, स्विच यहां से ऑन किए, सटा दिए, तो क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन, इनको पता चल गया कि हाई पोटेंशियल इधर है,
तो ये क्या करेंगे, लो पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं तो लो से चल के हाई के पास पहुंचेंगे, तो इधर इनकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये इधर की ओर भागने लगेंगे, ये इधर की ओर भागने लगेंगे, और जैसे ही यहां पहुंचेंगे ये इलेक्ट्रॉन सारे यहां पहुंचे, तो इस टर्मिनल के पास पहुंच कर यह चाहेंगे कि हम रेस्ट ले लें, अब हम हाई पोटेंशियल पर आ गए हैं, तो लो से हाई आ गए हैं, तो अब ये यहां रेस्ट लेना चाहते हैं, बट बैटरी बोलेगा नहीं बाबू हम रेस्ट नहीं लेने देंगे, हम आपको मेहनत कराएंगे, खुद भी मेहनत करेंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से ट्रांसफर करेगा इधर, और यहां से इधर, इधर फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे करके इसको फिर पहुंचा देगा यहां। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हाई के पास आएंगे और बैटरी हाई से लो करेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन लो से हाई जाएंगे, उनका आदत है लो से हाई जाना, तो इस प्रकार से एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जिसको हम लोग करंट बोलेंगे, बट करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, यह भी एक करंट ही, इलेक्ट्रॉन का करंट है, हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो उसका डायरेक्शन अपोजिट माना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उधर होगा। तो यहां तक हमने डिस्कस किया, ठीक है, अब जो है क्या इधर कनेक्ट करने से बैटरी के अंदर जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, बैटरी जो है खुद से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कि लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ऐसा होता तो सभी कंडक्टर एक समान होते, कैसे बोल सकते थे कि आप कॉपर गुड कंडक्टर है, कॉपर से बढ़िया कौन है, सिल्वर गुड कंडक्टर है, कॉपर गुड कंडक्टर, इनको क्यों गुड माना जाता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो उनको लगाने से अच्छा कंडक्शन होगा। यदि बैटरी खुद से इलेक्ट्रॉन, कोई मान लो हमने कंडक्टर जोड़ दिया उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे हमने सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर रबर से जोड़ दिया, मेटल से नहीं रबर से जोड़ दिया, तो बैटरी देखेगा सॉरी इसको रबर से जोड़ दिया गया, हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दे, और वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के ऐसे चलाएगा और लाइन आ जाएगा, होता है संभव, रबर के तार से जोड़ने से लाइन आता है, करंट आता है, नहीं ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, वो आप ही के इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते रहता है, क्या करता है, हमारा ही इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर का है उसी को दौड़ाते रहता है, कौन, बैटरी, अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो बैटरी क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में अपना ऊर्जा खपत करता है, इसीलिए तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी क्या होता है, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, पढ़े हो ना बैटरी, पढ़े हो बोल रहे हैं, देखते हो बैटरी यूज करते करते डिस्चार्ज हो गया, क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगा देते हैं। अब बैटरी भी दो प्रकार का सुन लो, एक जो टॉर्च में लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, वो डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्ज नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, रिएक्शन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उस बैटरी को टॉर्च से निकाल के या फिर रेडियो से निकाल कर फेंक दिया जाता है। और एक बैटरी ऐसा होता है जो डिस्चार्ज होने के बाद हम फेंकते नहीं है, उसको फिर से चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल का बैटरी, आजकल इमरजेंसी लाइट का बैटरी आ गया है, या फिर घर में जो लगाते हैं बैटरी ये वाला, इसको भी चार्ज करते हैं। तो बैटरी भी दो प्रकार का हो गया, एक चार्जेबल और एक बिना चार्जेबल, जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो जिसको चार्ज नहीं करते हैं यूज करके फेंक देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, उसको ड्राई सेल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राइमरी बैटरी, और जिसको चार्ज यूज करके फेंकते नहीं है उसको चार्ज करते हैं रीयूज करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे। पहले ये समझ लें कि बैटरी जो है खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, बैटरी 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 बोल रहे हैं, है ये सेल, ठीक ना, तो याद रखना है, गलती होती है, आदत पड़ गया, सेल डू नॉट
डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या करता है, इट ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, यह केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, यह इलेक्ट्रॉन को केवल ट्रांसफर करता है। अब सिंबल ऑफ बैटरी, सिंबल ऑफ बैटरी बोल रहे हैं, सेल ना, सेल, सिंबल ऑफ सेल, सेल का सिंबल क्या, बार बार क्वेश्चन में हमको इतना बड़ा बड़ा बैटरी थोड़े ना बनाएंगे, हम इस तरह से बनाएंगे, कंडक्टर से एक इस तरह से लाइन खींच देंगे और एक इससे छोटा लाइन और फिर ये कंडक्टर, कंडक्टर लाके इसको जोड़े हैं और एक कंडक्टर इधर से, तो एक कंडक्टर लाके इधर छोटा वाले लाइन से, एक कंडक्टर इधर लाके बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, प्लस होता है, और ये छोटा वाला को लो बोलते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल, और निगेटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल, ठीक है। तो सिंबल कैसा होता है, इस तरह से देख लो, इधर इधर, ये हमारा प्लस, ये माइनस, ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दिया जाए, ओके। अब जो सेल जो है कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेल और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेल। सेल, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी सेल और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी सेल कहलाता है, ठीक है, दूसरे को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन से काम करता है, धीरे धीरे इसका रिएक्शन समाप्त हो जाता है, तो ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको फेंक दिया जाता है, चार्ज नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेल, यह क्या होता है, धीरे 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 डिस्चार्ज होने के बाद इसको फेंका नहीं जाता, फिर से चार्ज किया जाता है, मतलब ये जो है ये किसी अन्य सोर्स से फिर खुद को चार्ज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से, सनलाइट से, यानी सौर प्लेट से लगाकर सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट से, या फिर जनरेटर से, ये खुद चार्ज हो जाते हैं, फिर आपको सप्लाई देते हैं करंट की, फिर डिस्चार्ज होंगे, फिर कहीं से इसको चार्ज किया जाएगा, फिर सप्लाई आपको दिया जाएगा, तो इस प्रकार के सेल को सेकेंडरी सेल कहा जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, नोट कीजिए इसको, एक एक करके सबको देखा जाए। चलिए, तो प्राइमरी इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इज ऑब्टेंड ऑब्टेंड फ्रॉम इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ऐसा सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, वो भी कैसे मिलती है, तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वापस बन जाएगा वही जो पहले था, फिर रिएक्शन स्टार्ट होकर नया पदार्थ, फिर नया से पुराना, इस प्रकार से वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्स उसका संभव है। और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक बार बन गया सो बन गया, अब उसका वापस बनना मुश्किल होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन का नाम होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यह भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बार जब काम करना स्टार्ट हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद फिर से वापस नहीं होना वाला, इसलिए इसको फेंक दिया जाता है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट, इसको आप फेंक दीजिए, ठीक है। तो ऐसे सेल के एग्जांपल आपको ड्राई सेल बोला जाता है, इसको ड्राई सेल, शुष्क सेल दे दीजिए, आपको रिस्ट वॉच में मिलता है छोटा छोटा। और डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल, ठीक है, ईटीसी, दो नाम काफी है। लेवलैंक सेल होता है, खास बात इसका, खास बात यह है कि प्राइमरी सेल इज नॉट चार्ज्ड व्हेन इट गॉट डिस्चार्ज्ड। जब यह डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको फिर से आप चार्ज नहीं कर सकते, यही इसका खास बात है। मतलब लिखो फेंको है, मतलब यूज एंड थ्रो, यूज कीजिए फेंक दीजिए। तो ऐसा सेल जो इरिवर्सिबल रिएक्शन से, मतलब एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस नहीं, अब उसको फेंक दीजिए, जब तक रिएक्शन चलता है तब तक इससे एनर्जी निकलती है। रिएक्शन और भी, मतलब रिएक्शन का एक तो टाइप है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, और भी बहुत सारा जो एनर्जी छोड़ता है, हीट छोड़ता है, हीट के रूप में उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट को ऑब्जर्व करता है रिएक्शन के लिए उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो लाइट के अंडर में होता है उसको लाइट रिएक्शन, और कोई कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिक स्पार्क देने पर, केमिस्ट्री में तुम पढ़े होगे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, तो उसी प्रकार से यह भी रिएक्शन है, एनर्जी छोड़ता है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। कहाँ है, सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेंड फ्रॉम इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो ऐसे सेल को हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं, ट्राई सेल, डैनियल सेल, और भी दो चार है, लेवलैंक सेल, वोल्टाइक सेल, कौन है लिख लो नाम, वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। तो अगला हमारा सेकेंडरी सेल है, उसको भी देखा जाए, पहले इसको नोट कीजिए, मिटा दे। चलिए, तो दूसरा हमारा है सेकेंडरी सेल। क्या है सेकेंडरी सेल? तो सेकेंडरी सेल की खास बात क्या है कि यह जो सेल है वो पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज होता है, फिर हमको करंट देता है, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज हो सकता है, इसको चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो गया सेकेंडरी सेल। क्या होता है, द सेल विच आर
चार्ज्ड हॉस्ट। फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स एंड देन यूज्ड टू ड्रॉ करेंट। ड्रॉ करेंट ड्रॉ करेंट फ्रॉम देम। आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो ऐसे सेल विच आर चार्ज फर्स्ट, जो पहले खुद चार्ज होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, बाहर के इलेक्ट्रिक सोर्स, जैसे हमारे घर में बिजली आती है उससे चार्ज होते हैं, फिर हमें देन यूज्ड, फिर उनका यूज किया जाता है टू ड्रॉ करंट, उनसे करंट लेने के लिए, ठीक। फ्रॉम देन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल, उनको सेकेंडरी सेल कहा जाता है। द सेल्स विच आर चार्ज फर्स्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स एंड देन यूज टू ड्रॉ करेंट फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल, उनको सेकेंडरी सेल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लीड एसिड एक्यूमुलेटर, लीड एसिड एक्यूमुलेटर। नाम पहली बार सुन रहे हो, हम लोग तो केवल लुमिनस है, वी गार्ड और एवरेडी। एवरेडी तो ड्राई सेल हो गया, इसमें क्या लुमिनस, वी गार्ड, एक्साइड, मारुति, इन सब नाम को जानते हैं। लीड एसिड एक्यूमुलेटर, ये अंदर की बात है, ठीक ना। और तुम्हारा एक एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा अल्कली, अल्कली एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, अल्कली एक्यूमुलेटर, ये है जो है सेकेंडरी, और इनको चार्ज किया जाता है। दे कैन बी चार्ज्ड ड्यू टू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इनके अंदर जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसिड लाते हैं और इसके इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इसको चार्ज में लगा देते हैं, तो ये फिर से यूज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे हमको पता चल गया है क्या है, अब बस उसका डेफिनेशन और एसआई यूनिट वगैरह लिखना बाकी है। अब तक धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक करंट तुमको बता चुके हैं, शायद तुम्हें पता भी ना चले। खैर कोई बात नहीं, कल हम लोग चैप्टर के नाम पे उसको स्टार्ट करेंगे। कल का टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके विषय में। और थोड़ा बहुत स्टार्ट करने से पहले तुमको कुछ सिंबल बता देंगे, जैसे सिंबल का, इसका सेल का सिंबल जैसे बताया हमने, ये होता है इस प्रकार से, आप कीजिए। सेल का सिंबल ये हाई और ये लो, मतलब माइनस। और बैटरी, देखो हेडिंग डाले थे बैटरी, बैटरी क्या होता है, तो बैटरी तुम लिख लो कहीं, इसको मिटा दो, इसको लिख लिए, लिखो बता दे रहे हो गया, मिटा दे। तो बैटरी क्या होता है बच्चों,
तो सारा काम तो सेल का ही है। बैटरी क्या है? तो बैटरी तुमको पता है, एक से ज्यादा सेल हो यानी द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। एक से ज्यादा सेल आपको कंबाइन कर दिया जाए एक साथ तो उनको बैटरी बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से, और शॉर्टकट बीच में एक जो कंडक्टर लगा रहे हैं वो भी नहीं लगा सकते, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इस प्रकार से कंडक्टर लगा के और इस तरह बिना कंडक्टर के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको बैटरी बोलते हैं। अभी सब सेंस में है, पलट पलट, जैसे एक का माइनस में आप दूसरे का प्लस जोड़ते हैं और इसका माइनस में तीसरे का प्लस, तो इसको बोलते हैं सेंस में जोड़ा गया है। यदि किसी को पलट देते हैं तो वो हो जाता है एंटी सेंस में। तो इसको भी जोड़ने का दो तरीका है, वो हायर क्लासेस में हमको पढ़ना है, 12 में, अभी उतना नहीं जानना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ सिंबल के साथ और हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर जिसके ऊपर नाम रखा गया है चैप्टर का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो दोस्त।